औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम के साथ शुरू, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मैं हूँ हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम सलीम नवाखाना बुलवाल की तरफ से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नए नुस्खे के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। हमारा जो आज का नुस्खा है ये है बालों की खुश्की के लिए एक बेहतरीन किस्म का जो है सफ़ूफ, जिसको आपने बालों में लगाना है। इंतहाई मुजरब ये फार्मूला है। कुछ अर्सा के मुतवातर इस्तेमाल से न सिर्फ बालों की खुश्की ठीक हो जाती है बल्कि वो गिरने से भी रुक जाते हैं और इनकी सिकरी जो है वो भी ख़त्म हो जाती है और बालों में रौनक पैदा हो जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको जिनके बाल जो बिल्कुल खुश्क हो जाते हैं और उनकी जो रंगत और उनके अंदर जो चमक होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो यह जो नुस्खा है बालों की खुश्की ख़त्म करता है, बालों के अंदर नई जिंदगी और ताजगी पैदा करता है। इस नुस्खे की तरफ जाने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इनवाइट करें ताकि मोहब्बतों का ये सिलसिला चलता रहे। इस नुस्खे के अंदर जो अज़ा शामिल है उनमें है आंवला, सिकाकाई और बालछड़। ये तीनों अद्वियात आपने हम वजन ले लेनी है जितनी मकदार में आप इसको दवा को बनाना चाहते हैं। तजर्बाती तौर पर आप थोड़ी भी मकदार में बना सकते हैं। इसका आपने बिल्कुल सफूफ बना लेना है, बिल्कुल बारीक आपने पाउडर बना लेना है, पाउडर की तरह इसका सफूफ आपने बनाना है। और नहाने से 15-20 मिनट पहले आपने इसको पेस्ट की शक्ल में थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ी सी एक चम्मच उसमें से लेके उसमें आपने थोड़ा सा पानी डालना है और मरम टाइप आपने बनाना है। तो वो जो मरम टाइप बनाएंगे या पेस्ट की तरह बनाएंगे तो वो पेस्ट आपने बालों की जड़ों में अच्छी तरह जो है ना जो ब्रश की मदद से आपने लगाना है बालों की जड़ों में। कुछ अर्सा के मुतवातर इस्तेमाल से इंशाल्लाह ताला आपके बालों की खुश्की सिकरी ख़त्म हो जाएगी और 15-20 मिनट आपने लगा कर उसके बाद आपने सर को धो लेना है। किसी भी अच्छे शैम्पू से, हर्बल शैम्पू से आप धो सकते हैं बालों को, केमिकल वाला शैम्पू इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। तो इसको दवा को बनाएं, इस्तेमाल करें और अपने फीडबैक से लाजमी अदा करें। छोटी सी वीडियो बनाने का मकसद आपको एक बेहतरीन किस्म का और मुजरब नुस्खा देना है। एक बार फिर आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं, जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो खुद भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इन्वाइट करें ताकि मोहब्बतों का यह सिलसिला चलता रहे। हाजिर होंगे इंशाल्लाह ताला इसी तरह के मुफीद व मुजरब वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।